हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आप पूजा और आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ देहरादून ब्लॉगर पूजा शर्मा में चैनल में। और यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता बन रहा है, ब्रेड पकोड़े यमी यमी से। तो चलिए आप भी आ जाइए, खा लीजिए। नाश्ता बहुत ही बढ़िया है और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दाल दिखाई थी तो वो मैंने दाल भी बनाई है, साथ में चना और उड़द की दाल। एक्चुअली ये तो नाश्ता हो जाएगा तो लंच भी तो चाहिए ना, तो मैंने वो दाल बनाई थी। और किसी ने मुझसे कहा था कि आप क्या दाल धोते नहीं हो, ऐसी बना लेते हो। नहीं, एक्चुअली मैं कुकर में ही दाल लेती हूं। दाल में बता दूं, कंकर वगैरह बिल्कुल भी नहीं, मंडे कभी भी नहीं निकला मुझे, बहुत टाइम से मैं बना रही हूँ ऐसा ही। तो इसी वजह से मैं इसी में डाल लेती हूँ, फिर इसी में ही अच्छे से धोके और पानी चढ़ा देती हूँ डायरेक्ट और बनाती हूँ। तो ऐसा नहीं है यार कि मैं धोंगी नहीं, हमें भी अपनी सेहत की बहुत परवाह है। सो आज मेरी किचन थोड़ी मैसी मैसी लग रही होगी, बहुत काम हो रहा है धीरे धीरे, मतलब इसी वजह से। और थोड़ी सी पिट्ठी रखी थी इसीलिए उन्होंने जिद किया कि नहीं थोड़े से बना दे। तो इतने बने थे ब्रेड पकोड़े, 5 ब्रेड पकोड़े बने थे। सो अब की बार है ना, मैंने किसी यूट्यूबर को देखा था ब्रेड पकोड़े बनाते और उन्होंने चिमटे का इस्तेमाल किया था। सो मैंने भी किया, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है ना, मैं कुछ देखती हूँ ना तो सिर्फ ऐसे ही अवेंज ही देखती, मैं कुछ देखती हूँ तो उसे सीखने के लिए देखती हूँ। तो मुझे कुछ ना कुछ किसी की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो वो मैं ग्रैब करना बहुत मैं अच्छा मानती हूँ। तो और मेरे को सच कहूँ तो मेरे को इजी भी रहा, नहीं तो मैं पलटे से इधर उधर भटकते थे, तो इस वजह से। और ब्रेड है ना 2 दिन पुरानी थी, तो आपको बताइए ब्रेड अच्छी होनी चाहिए ब्रेड पकौड़े के लिए, तो फैले ना मतलब। और ये ब्रेड है ना मतलब अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो टूटने का डर लग रहा था बार बार। तो चलिए इनको तो मैंने भिजवा दिया, अब ये 2 और बना देती हूँ, एक और रह गया है। तो यहाँ मैंने इनके लिए प्लेटिंग भी कर रही हूँ साथ के साथ, और ये साथ में बन भी रहे हैं क्योंकि वो तो नहा धो के बैठ चुके हैं, तो ये इनके लिए मैंने प्लेटिंग कर दी है। सो अब मैं इनको दे के आ रही हूँ। और मैंने साथ में ना थोड़ा एक आलू काट लिया था मैं, क्योंकि बेसन बच गया था फिर वो इधर उधर ही रखा रहता है, और मेरे को चावल बनाने हैं, नहीं तो मैं आटे में लगा लेती। तो यहाँ मेरी दाल भी सीटी आ गई है, तो इसी वजह से मैंने एक आलू काट लिया। मैंने कहा चलो आलू को टेस्ट कर देती हूँ, मतलब सॉरी पकौड़े बना देती हूँ। तो चलिए कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो यहाँ मैंने काम पूरा कर लिया है, मतलब क्लीनिंग वगैरह कर ली है, पोछा झाड़ू लग चुका है। और कल के कपड़े थे और कुछ आज के थे, तो मैंने सोचा कि चलो नहाने से पहले मैं कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि धूप तो काफ़ी अच्छी निकल रही थी, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो धूप को सुखा देती हूँ। हाथ वाले ही थे, ज़्यादा थे नहीं कपड़े, तो मैंने कहा चलो अब तो गर्मियाँ आ रही है ना, तो देखना मैं ऐसे ही करती हूँ, हाथ से ही धो देती हूँ। तो मैं अब यहाँ पर कपड़ों को सुखा रही हूँ फटाफट।
कैसे करके बढ़ाए हैं। मैं उन लोगों को बस एक ही बात क्लियर करना चाहती हूँ, देखो सब टू सब करके सब्सक्राइबर बढ़ाने में ना फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना उसमें आपके सब्सक्राइबर तो बढ़ जाते हैं पर आपके व्यूज़ नहीं आते हैं। तो आप लोगों को लगता होगा शायद कि मेरे सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, पर अगर आप मेरी मोस्टली वीडियोज़ देखेंगे जो मेरी थोड़ी बहुत ऊपर गई हैं वीडियो, तो उनमें मेरे सब्सक्राइबर हैं जितने उनसे कम से कम 10 लेयर डबल जा चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है, क्या होता है थोड़ा सा YT प्रॉब्लम भी चल रहा है, नोटिफिकेशन प्रॉब्लम भी चल रहा है, सो इस वजह से लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही और शायद मे बी मेरा कंटेंट इतना अच्छा ना लगता हो लोगों को कि उनको वो चीज़ पसंद आए, सो इसी वजह से। पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मेहनत से ही ये बढ़ रहे हैं, चीटी भर बढ़ते हैं, एक एक दिन में 2 बढ़ गए, 3 बढ़ गए, बस ऐसे बढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर आज मैं सब टू सब करती ना तो मेरे ख्याल से 10,000 तो आराम से हो जाते। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है क्योंकि स्टार्टिंग में सबको ऐसी क्रेज़ लगता है, मुझे भी लगा था, पर मैं कुछ ही टाइम बाद में ही समझ गई थी कि इससे हमारा कुछ भी नहीं होना, सो मैंने छोड़ दिया था। मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पे जो जानती हैं इस चीज़ को, क्योंकि मैंने उनसे इन चीज़ के बारे में कंसल्ट भी किया था कि यार ऐसा मेरे को नहीं करना क्योंकि इससे नहीं बढ़ते हैं। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए सब्सक्राइबर, ऐसा है क्या पता आप मेरे से अच्छी वीडियोस बनाएं और आपको इतना पसंद करें कि आप मेरे से ज़्यादा तरक्की कर लें, मेरे से आगे पहुंच जाएं, और क्यों ना सबकी मेहनत और सबका लक एक सा नहीं होता, तो शायद आप मेरे से ज़्यादा मेहनत करें और आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए। तो वो अपने अपने ऊपर होता है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में सब में, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है यार, प्लीज़। मैं बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची हूँ और बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ, पर आपके साथ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कुछ भी अच्छा ना लगता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके वीडियो में आप ये चेंज कीजिए, ये मत लगाइए, ये करिए, तो मैं आपके सजेशन को ज़रूर मानूंगी। और मुझे मिलते भी हैं बहुत से सजेशंस, मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस मिलते हैं, और मैं उनको फॉलो करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे बेटा आ चुका है, बैट बॉल खेल लिया तो बैट पे छोड़ के चला गया, फिर कुछ और करने चला गया, उसका यही लगा रहता है। और बस, और मुझे ऐसा था कि शायद आज हम मेरे को वहाँ जाना था बिग बाज़ार, सो तो भी मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ कि अगर जाना पड़ा तो कम से कम ये सब काम ख़त्म कर लूँ, पर ऐसा हुआ नहीं, मैं नहीं जा पाई क्योंकि इनको लेट हो गया ऑफिस में ही। अब नेक्स्ट डे जाऊंगी मैं बिग बाज़ार, क्योंकि इनका फ़ोन बाद में जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, मैं ये आपको तब बता रही हूँ, उस टाइम पे तो नहीं पता था जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, जब नहीं पता था एडिटिंग के टाइम पे बता रही हूँ, पर मैं इसीलिए जल्दी जल्दी सारी साफ़ सफाई कर रही थी, मैंने कहा ये सारे काम हो जाएं सो मैं फटाफट से खाने पीने की तैयारी कर दूंगी और फिर सामान लेने जाना है। आपको पता ही है कोरोना वायरस के कारण ना लोग बागो बहुत वैसे ही हड़कम मचा हुआ है, तो सब लोग सामान वगैरह सब, और वैसे भी मुझे तो राशन लाना ही था इस महीने का, मेरा राशन नहीं आया है, सो इसी वजह से। और बस यही सारे काम होते हैं और यही सारे काम कर रही हूँ। और पता है कोरोना वायरस के चक्कर में है ना, मैं मार्केट गई थी, वहाँ पे भी इतनी बुरी भगदड़ हो गई थी, लोग बाग कहने लगे थे कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस आ गया, भागो भागो, और बाद में पता चला कि वहाँ पे ना कोरोना वायरस वगैरह कोई नहीं था, बल्कि पुलिस थी, क्योंकि वो मेले पे दुकानें खुली हुई थी ना, उनको बंद करने के लिए आया था। तो मैंने एक को बोला यार कोरोना वायरस है, कोई जॉम्बीज नहीं है, तो जो तुम लोग ऐसे भाग रहे हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं, ये है नेक्स्ट डे, तो आज है वेडनेसडे, और जो मेरा ये जो व्लॉग था वो था ट्यूसडे का, तो वो कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि मैं कल अपना व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी किसी कारण से, क्योंकि जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि मुझे जाना था, तो मैं उनका वेट के चक्कर में व्लॉग ही नहीं कर पाई। मैं सोच रही थी कि आपको शॉपिंग करने जाना था, तो मैंने कहा चलो वो भी आपको इसी व्लॉग में ऐड कर दूंगी, पर कल नहीं जा पाई क्योंकि उनका ऑफिस में काफ़ी काम था, सो क्योंकि वो आ नहीं पाए तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फिर मैं और कामों में लगी, मैंने मटर छील के रख दी थी, इतने फ्री बैठी थी, मैंने कहा आएंगे आएंगे, तो मैं मटर छीलने लग गई, फिर आके वो काफ़ी लेट आए, तो फिर मैंने उनको खाना पीना दिया, फिर तो जाना कोई पॉसिबल नहीं था। सो मैं बहुत सारा सामान तो नहीं, थोड़ा बहुत सामान लेके आई थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी, और बनता भी है आप लोगों के साथ शेयर करना। सो पर मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है,
है, 12:15 हो चुके हैं ऑलरेडी और मेरी वीडियो 4 बजे अपलोड मैं कर देती हूँ। और अगर मैं इसको आगे खींचूंगी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी वो आ जाएंगे तो मेरे को जाना पड़ेगा। सो इसलिए मैं सोच रही हूँ, सो सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, गलती हो गई आपसे कि मेरे को शेयर करना चाहिए था, पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी, तो प्लीज़ सो सॉरी, आप लोग माफ़ करिएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कुछ भी करती हूँ, लेके आती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी मार्केट, तो देखते हैं वहाँ पे क्या करती हूँ मैं, क्या नहीं, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर जरूर करूँगी। और शॉपिंग भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, अब की बार माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। मैं 2 बार सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मैंने जो व्लॉग स्टार्ट किया था उसी में मैंने ये कह दिया था कि मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, और उससे भी पहले व्लॉग में कहा था। सो मतलब अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि आप लोग कहेंगे 2 दिन से घुमाई जा रही है, दिखा नहीं रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई हजारों का सामान नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोगों को, चाहे मैं चीटी भर भी चीज़ खरीदूंगी ना, तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। सो इसीलिए तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि जल्दी से जाना है, क्योंकि मुझे अभी ये अपलोडिंग पे भी लगाना पड़ेगा, और अपलोडिंग करने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा एडिटिंग करना है, फिर अपलोडिंग पे लगाना है, तो टाइम लगेगा उसमें, और ये आ जाएंगे तो फिर मेरा ब्लॉग लेट हो जाएगा। सो आप सब समझ सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ मेरी वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी को क्यों, मेरी सारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे को देख रहे हैं, चुपके चुपके भी देख के चले जाते हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं आपके घर में, मतलब आपकी जो यूट्यूब की मेन स्क्रीन है ना, उस पर मैं रोज़ दिखाई दे जाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां आप शेयर करना चाहें बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ कर ही दीजिएगा क्योंकि मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। और चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।